तो यहाँ पर अपन को प्रॉब्लम दे रखी है कि अपन को इस लिमिट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखते हैं इसको अपन कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस चीज़ पे फोकस करते हैं, इसको अपन कैसे जनरेट करेंगे। तो इसको जनरेट करने के लिए यहाँ पर तुम देखोगे अपन को करना है 1 माइनस 1 बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाय t की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 7 इस तरीके से। तो ये यहाँ पर ये 3 की पावर 3 है। तो अगर तुम टेन इनवर्स एक्स का एक्सपेंशन देखो तो वो होता है x माइनस x³/3 प्लस x की पावर 5/5 माइनस x की पावर 7/7 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर इसको अपन समेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं k की वैल्यू 0 टू इन्फिनिटी -1 की पावर k/(2k+1) एंड x की पावर 2k+1। ये टेन इनवर्स एक्स का एक्सपेंशन हो गया। और यहाँ पर अगर तुम एक्स की जगह √x पुट कर दो और इधर √x मल्टीप्लाई कर दो तो ये इस तरीके से बन जाएगा k की वैल्यू 0 टू इन्फिनिटी -1 की पावर k/(2k+1) ये √x की पावर यहाँ पर 2k+1 एंड मल्टीप्लाई में √x हो जाएगा। तो ये √x की पावर 2k+2 तो x की पावर k+1 बन जाएगा। तो ये हो गया अपने पास समेशन k की वैल्यू 0 टू इन्फिनिटी -1 की पावर k/(2k+1) एंड x की पावर k+1। एंड इधर अपने पास आ गया √x एंड tan इनवर्स ऑफ √x। अब तुम यहाँ पर x की जगह 1/3 पुट कर दो तो ये हो जाएगा समेशन k की वैल्यू 0 टू इन्फिनिटी -1 की पावर k/(2k+1) एंड 1/3 की पावर k+1। और इधर ये हो जाएगा दिस एंड टेन इनवर्स ऑफ दिस। इस तरीके से हो गया। अब यहाँ पर अगर मैं देखूँ k की डिफरेंट वैल्यू पुट करके, तो k की वैल्यू 0 पुट करने पर यहाँ पर बनेगा 1 डिवाइडेड बाय 1 एंड ये 1/3 की पावर 1 बन जाएगा। आगे -1 k की वैल्यू 1 पुट करने पर यहाँ पर 3 एंड 1/3 का स्क्वायर एंड नेक्स्ट यहाँ पे 2 पुट करने पर 1/5 एंड 1/3 का क्यूब। इस तरीके से ये चल रहा है। तो यहाँ पर अपन को क्या जनरेट करना था, 1 माइनस 1/3 स्क्वायर प्लस दिस एंड दिस। तो यहाँ पर क्या आ रहा है अपने पास, 1/3 एक्स्ट्रा आ रहा है। सो 1/3 को यहाँ पे बाहर निकाल लेता है। सो ये हो जाएगा √dis एंड tan इनवर्स ऑफ दिस। 1/3 को वहां से बाहर निकाल लिया एंड ये 1 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 7 इस तरीके से आ गया। और यहाँ पे 1/√3 से और मल्टीप्लाई करना था इसको, तो पहले तो इस 3 को इधर ले जाते हैं। सो ये 3 टाइम्स 1/√3 एंड ये 10 इनवर्स ऑफ 1/√3 हो जाएगा। एंड इस पूरे को यहाँ पे अपन को 1/√3 से और मल्टीप्लाई करना है और ये इधर दिस तरीके से बन जाएगा ये। तो यहाँ पर अपने पास इनफाइनाइट टर्म्स आएगी, जैसे कि इसमें बता रखा है एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, मतलब इनफाइनाइट टर्म्स है यहाँ पर। सो ये अपने एक्सपेंशन में भी इनफाइनाइट टर्म्स है। तो अब यहाँ पर इसको देखे तो ये कैंसिल हो जाएगा एंड 10 इनवर्स ऑफ 1/√3 की वैल्यू अपन को पता ही है कितनी होती है, 5/6 हो जाएगा। तो इस तरीके से अपना आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो तुम्हें अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।